तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों ने स्वच्छता जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग सभी लोग करते हैं। स्वच्छता का चार्ज हम लोग सभी लोग अपने घर से शुरू करते हैं, अपने दरवाजे पे करते हैं, अपने मोहल्ले में करते हैं, अपने गांव में करते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस अभियान के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि अपने आस पड़ोस जो भी लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करें और ये अपेक्षा करें कि हम लोग एक साफ सुथरे माहौल में रहें। आप सभी जानते हैं कि साफ सुथरे माहौल में रहने का क्या लाभ है, इससे हम लोग विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां ग्रसित होती है उसे हम लोग बच सकते हैं, अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी भी हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों को यह प्रण लेना है कि हम लोग अपने घर के साफ सफाई के साथ साथ हम लोग अपने आस पास गली मोहल्ले अपने गाँव की भी सफाई करेंगे और इस प्रयास को आगे अनवरत जारी रखेंगे। तो इसी अभियान के तहत आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और माननीय मुखिया जी एवं माननीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग से आज हम लोग इस कार्यक्रम को इस सुनमई गांव में करेंगे और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे और इस पूरे पंचायत को हम लोग स्वच्छ करेंगे। अब हम माननीय मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम पर दो शब्द। यहाँ पर उपस्थित पंचायत के हमारे सरपंच महोदया, डायरेक्टर साहब हैं जल संरक्षण विभाग से, इंजीनियर साहब हैं नवीन बाबू जल संरक्षण से, और भी लोग हैं जो भी हमारे पंचायत के अन्य प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हों या पंच हों, बाकी जो भी हमारे पंचायत के तमाम ग्रामीण जनता, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डायरेक्टर साहब के द्वारा मुझे बताया गया कि रंजीत जी आप ही के पंचायत से मैं स्वच्छता अभियान का जागरूकता का शुरुआत करना चाहता हूं, आप इसमें सहयोग करें। तो मैं जो हूं डायरेक्टर साहब को हामी भरा कि ठीक है सर 23 तारीख को आप समय दीजिए, 23 तारीख को हम लोग सुनवाई से इसका अभियान चालू करेंगे और हम लोग जो है सुनवाई से चालू करके पूरे पंचायत के गली नली को साफ करेंगे। अब सब में आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग भी अपना घर के अगल बगल पूरा कचरा जो है अन्यत्र जहाँ तहाँ न बिगे एक जगह इकट्ठा रखें, उसके बाद एक साथ उठा के उसको किसी गड्ढे में डाल दें या टूटा फूटा बाल्टी या टोकरी जहाँ हो उसमें गड्ढा कचरा को रखें। यही नहीं कि कचरा जो है घर से निकाल के गली में बाहर दें, उससे बहुत तरह का बीमारियाँ पैदा लेता है, इससे आप भी बीमारी से ग्रसित होइएगा, आपके बाल बच्चा भी ग्रसित हो। इसी संबंध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अब यहाँ से हम लोग जो है सुनवाई बाजार में मतलब स्वच्छ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ सभा समाप्त किया जाता है। चलिए सर, अब आगे हम लोग